Assalamu alaikum students, in this video we will discuss the challenges in Pakistan agriculture. So let's start. First of all, we will study analytical overview of issues and strategies for improvement of the crop management and livestock management. So first of all, we will discuss issues and strategies for improvement of crop management. Pakistan agriculture sector is crucial to its economy, providing employment to a significant portion of the population and contributing substantially to GDP. So Pakistan ek agriculture sector hai jo ke zyadatar apni uski economy jo hai wo agriculture ke upar hi depend karti hai. To Pakistan ki economy ke liye agriculture ke sector ka jo strong hona bahut zyada necessary hai. इसके साथ जो सेक्टर ये जो सेक्टर है बहुत सारे इस वक्त चैलेंजेस को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो उसकी ग्रोथ है और उसकी सस्टेनेबिलिटी है उसमें कमी आ रही है. तो एनालिटिकल ओवरव्यू हम देखते हैं और इनके इश्यूज को और स्ट्रेटजीज को हम डिस्कस करेंगे जो कि क्रॉप और लाइफस्टॉक मैनेजमेंट के हवाले से हैं. तो हम इश्यूज देखते हैं जो कि क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर हैं. वाटर स्कार्सिटी एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान जिसको फेस कर रहा है, सीवियर वाटर स्कार्सिटी है और जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रॉप की यील्ड्स के ऊपर. इसके साथ इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर रही हैं. नेक्स्ट जो है वो है सॉयल डिग्रेडेशन. तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करना, इसके साथ साथ इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन और डिफॉरेस्टेशन, इसकी वजह से सॉइल डिग्रेड हो रही है और सॉइल के डिग्रेशन की वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्रॉप की यील्ड्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्रॉप्स की जो यील्ड्स है वो डिक्रीज हो रही है. नेक्स्ट जो फैक्टर है वो लो प्रोडक्टिविटी का है. सो यील्ड्स फॉर मेजर क्रॉप्स लाइक वेट राइस एंड कॉटन आर बिलो ग्लोबल एवरेजेस ड्यू टू आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, जो फार्मर्स हैं वो आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स की यील्ड्स है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा लो है और इसके साथ साथ जो लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स हैं उन फार्मर्स तक अच्छे और गुड क्वालिटी के यानी सीड्स उनको अवेलेबल नहीं है. इसके अलावा टेक्नोलॉजीज का यूज़ जो है वो इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स के अंदर. और नेक्स्ट जो एक फैक्टर है वो पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट का है. सो पेस्ट एंड डिजीज जो है वो प्रिवेलेंस है इस वक्त, जिसकी वजह से जो पुअर पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं और ये क्रॉप के लॉसेस की तरफ लेकर जा रहा है. एक और बड़ा फैक्टर है जो कि क्रॉप्स की यील्ड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है वो क्लाइमेट चेंज है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न जिसके अंदर इरेटिक रेनफॉल है, इसके साथ साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं जो कि क्रॉप की प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं. मार्केट एक्सेस भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें फार्मर्स जो है वो उनको एक्सेस की कमी होती है मार्केट्स तक, जिसकी वजह से जो है वो एक्सप्लोटेशन जो है वो मिडल मैन तक जाती हैं और जो लो प्राइसेस हैं प्रोड्यूस होती हैं इसकी वजह से, और जो फार्मर्स हैं जो हार्वेस्टर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा इस उसके क्रॉप्स की यील्ड्स में जो है वो लॉसेस का सामना करना पड़ता है. तो हम इसको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम स्ट्रेटजीज देखते हैं कि क्रॉप को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से क्रॉप के मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो कुछ हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे जिसमें एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एक जो है एक फैक्टर है, जिसमें मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना नेसेसरी है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम्स आ जाते हैं. इस तरह के जो सिस्टम्स हैं ये वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं, मीन के जो ड्रिप जिस तरह से वाटर सिस्टम है ये वाटर को डायरेक्टली प्लांट्स की रूट्स तक ही ट्रांसफ़र करता है और इस तरह से वाटर को की मिकदार को कंजर्व किया जा सकता है. तो जो स्मॉल डैम्स की कंस्ट्रक्शन है या रिजर्वर्स की कंस्ट्रक्शन है वो भी एक बड़ा एड है वाटर को स्टोर करने के लिए. अब इसके बाद सॉयल हेल्थ इम्प्रूवमेंट है. तो इसमें जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज़ को प्रमोट करना, क्रॉप की रोटेशन को प्रमोट करना, इसके साथ साथ कंजर्वेशन टीलेज है. तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं. अब सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज भी जो है एक्सेसिबल होने चाहिए फार्मर्स तक, ताकि वो सॉइल को टेस्ट कर सकें कि ये किस तरह की क्रॉप्स के लिए जो है ये बेनिफिट है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो इंट्रोडक्शन है हाई यील्डिंग वराइटीज़ का, जिसमें रिसर्च और डिवेलपमेंट जो है तो उसमें फोकस किया जाना चाहिए हाई यील्ड्स प्रोड्यूस करने पर और ऐसे सीड्स प्रोड्यूस किए जाने चाहिए जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, इसके साथ साथ पेस्ट रेजिस्टेंसी उनके अंदर इस तरह की कैपेसिटी मौजूद हो
और इसके बाद इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईपीएम को यूज किया जाना चाहिए। मीन इम्प्लीमेंटिंग आईपीएम प्रैक्टिसेस कैन हेल्प रिड्यूस क्रॉप लॉसेस ड्यू टू पेस्ट एंड डिजीजेस। जो पेस्ट और डिजीजेस की वजह से लॉस हो जाते हैं क्रॉप्स, वो आईपीएमएस की प्रैक्टिसेस से उन लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। ट्रेनिंग फार्मर्स इन पेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल। और फार्मर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए कि वो पेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें और पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है वो उसको रिमूव कर सकें अपनी क्रॉप से। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है। डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज एंड प्रैक्टिसेस कैन हेल्प मिटिगेट द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर वेदर फॉरकास्ट शुड बी एस्टेब्लिश्ड। सो इस तरह के जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के सिस्टम्स को जो है या वेदर इस तरह के जो सीवियर वेदर पैटर्न है उससे बचने के लिए नेसेसरी है कि वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ताकि वेदर फॉरकास्ट को जो है वो देखा जा सके। और नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस। एस्टेब्लिशिंग फार्मर कोऑपरेटिव्स इम्प्रूव रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लिवरेजिंग टेक्नोलॉजीज फॉर डायरेक्ट फार्मर टू मार्केट सेल्स कैन एनहांस फार्मर्स मार्केट एक्सेस एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशंस। तो जो फार्मर को कोऑपरेटिव कोऑपरेट करना चाहिए उनके साथ, उनके जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्प्रूव करना नेसेसरी है। लेवरजिंग टेक्नोलॉजीज का जो यूज है वो जरूरी है ताकि जो फार्मर्स हैं डायरेक्ट अपने मार्केट तक जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जो है ले जा सके, उनको सेल कर सके। तो नेक्स्ट हम जो देखते हैं लाइवस्टॉक मैनेजमेंट के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो पुअर ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो इन ब्रीडिंग एंड द यूज ऑफ लो क्वालिटी ब्रीड रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मिल्क मीट एंड अदर लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो इन ब्रीडिंग है या लो क्वालिटी के ब्रीड्स को यूज करने की वजह से जो मिल्क है मीट है या अदर जो लाइवस्टॉक के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब इसके बाद जो फीड एंड फोडर शॉर्टेजेस हैं, तो देयर इज अ कंसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी फीड एंड फोडर सो इफेक्टिंग द हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लाइवस्टॉक। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज प्रीवेलेंस। लाइवस्टॉक डिजीज सच एज फूट एंड माउथ डिजीज एंड ब्रुसेलोसिस आर प्रीवेलेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट वेटरनरी सर्विसेज एंड लैक ऑफ डिजीज कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो है जो डिजीजेस भी कंट्रोल नहीं हो रही उसकी वजह इनएडिक्वेट वेटरनरी सर्विसेज हैं, तो कंट्रोल मेजर्स इसके साथ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन लाइव स्टॉक के अंदर जो है वो डिजीजेस प्रीवेलेंस होती जा रही हैं और इस तरह से लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर भी उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर भी कमी आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर जो लो अडॉप्शन है अब मॉडर्न प्रैक्टिसेस का। तो ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस परसिस्ट विद लो अडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स लीडिंग टू इनएफिशिएंसीज। जो ट्रेडिशनल लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो भी जो मॉडर्न टेक्निक्स के बजाय यूज की जा रही हैं वो भी इनएफिशिएंसीज की वजह बन रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट कॉन्स्टेंट्स। तो लाइव स्टॉक फार्मर्स जो हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं मार्केट की एक्सेसिंग के लिए, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो उनके ट्रांसपोर्टेशन के साथ रिलेटेड हैं, कोल्ड स्टोरेज और इसके साथ साथ जो प्राइस की वॉलेटिलिटी है। और उसके बाद हम स्ट्रेटजीज हम देखते हैं कि लाइव स्टॉक को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आता है। इम्प्लीमेंटिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एंड इंट्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी ब्रीड्स कैन इनहेंस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ऐसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, हाई क्वालिटी ब्रीड्स को इंट्रोड्यूस करवाना और इस तरह के लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके साथ जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज हैं उनको भी एक्सपेंड करना चाहिए। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है। नेक्स्ट इसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना नेसेसरी है। तो इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी फीड एंड फोडर थ्रू बेटर मैनेजमेंट ऑफ द रेंजलैंड्स एंड प्रमोटिंग फोडर क्रॉप्स कैन इम्प्रूव लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में बैलेंस डाइट आता है। प्रोवाइड अ वेल बैलेंस्ड डाइट दैट मीट्स द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ईच टाइप ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, वेल बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करना नेसेसरी है ताकि स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो उसको जो हर एक लाइव स्टॉक के टाइप के अकॉर्डिंग होती है उसको मेंटेन किया जा सके। इसके साथ इसके अंदर जो है वो मिक्स ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूड होती हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर होता है, इसमें विटामिंस और मिनरल्स भी इंक्लूड होते हैं उसकी डाइट के अंदर।
अब सप्लीमेंटेशन है जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को यूज किए जाने चाहिए जहाँ पे नेसेसरी हो, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई डिमांड सच एज प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ग्रोथ। एनिमल्स की जो पीरियड्स, जो स्पेशल पीरियड्स हैं जैसा कि प्रेगनेंसी पीरियड्स है या लैक्टेशन है या ग्रोथ है, तो इसके अंदर भी उनकी मीट को और इसके साथ मिल्क की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए सप्लीमेंटेशन का जो है यूज वो भी नेसेसरी है। अब नेक्स्ट हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें जो प्रिसाइजन लाइवस्टॉक फार्मिंग है, टेक्नोलॉजीज की इम्प्लीमेंटेशन लाइक RFID टैगिंग टेक्नोलॉजी है, इसके साथ GPS ट्रैकिंग है और ऑटोमेटेड फीडिंग सिस्टम्स हैं टू मॉनिटर एंड मैनेज लाइवस्टॉक मोर एफिशिएंटली। नेक्स्ट डेटा एनालिसिस का यूज है, जिसमें डेटा एनालिटिकल एनालिटिक्स को यूज किया जाता है परफॉर्मेंसेस को ट्रैक करने के लिए, सच एज ग्रोथ रेट्स, मिल्क यील्ड, हेल्थ स्टेटस एंड इनेबलिंग बेटर डिसीजन मेकिंग। तो डेटा एनालिटिक्स का जो यूज है वो बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर अपना जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एनिमल्स के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रोटेशनल ग्रेजिंग, इंप्लीमेंट रोटेशनल ग्रेजिंग टू ऑप्टिमाइज पॉस्चर यूज, प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग एंड मेंटेन अ सोइल फर्टिलिटी। रोटेशनल ग्रेजिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये पॉस्चर के यूज को ऑप्टिमाइज करती है, इस तरह से ओवर ग्रेजिंग से भी बचा जा सकता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम फैक्टर डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स का, कंबाइंड लाइव स्टॉक फार्मिंग विद क्रॉप प्रोडक्शन टू क्रिएट अ सिम्बायोटिक सिस्टम्स वेयर वेस्ट फ्रॉम वन सर्विसेज एंड इनपुट फॉर द अदर। ठीक है, इस तरह के जो फार्मिंग सिस्टम्स होते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसमें लाइव स्टॉक को दूसरे क्रॉप प्रोडक्शन के साथ कंबाइन किया जाता है, जिसमें एक सिम्बायोटिक सिस्टम क्रिएट हो जाता है जहाँ से जो एक सब्ज का वेस्ट है वो इनपुट होता है दूसरे सब्ज के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन के फैक्टर को। सो फार्मर को एजुकेट करना भी नेसेसरी है, प्रोवाइड रेगुलर ट्रेनिंग फॉर फार्म स्टाफ एंड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। इसके साथ एक्सटेंशन सर्विसेज, कोलैबोरेट विद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर द लेटेस्ट नॉलेज एंड इनोवेशन इन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल वेलफेयर के पॉइंट को। इसमें एथिकल ट्रीटमेंट आते हैं, मीन इंश्योर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग ह्यूमन हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्लॉटर प्रैक्टिसेस। स्ट्रेस रिडक्शन, मिनिमाइज स्ट्रेस बाय प्रोवाइडिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, सोशल स्टेबिलिटी विद इन हार्ड एंड जेंटल हैंडलिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें स्ट्रेस को इस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर किया जाना चाहिए लाइव स्टॉक को, सोशल स्टेबिलिटी नेसेसरी है और उनके हर्ड के अंदर इसके साथ साथ जो जेंटल हैंडलिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सो दिस स्ट्रेटजीज व्हेन इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली कैन लीड टू इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन लाइव स्टॉक मैनेजमेंट।